सभी दर्शकों को नमस्कार, ओम प्रणाम। मैं अब हाथ पांव शरीर की दाह जलन दूर होने के लिए विभिन्न प्रकार की रामबाण अचूक असरदार नुस्खे बोल रहा हूँ, घरेलू नुस्खे। आप उनमें से किसी एक ले लीजिए, दूर हो जाएगी। भोजन के बाद सौंफ एक चम्मच, धनिया चूर्ण आधा चम्मच, गुड़ मधुरम या मिश्री आधा चम्मच मुंह में डाल के खाइए। इससे आपका हाथ पे की जलन दूर हो जाएगी। बेर पत्ते ले लें, कूट के रस निकाल लीजिए, धूप में रख दीजिए। जब उसम गर्म हो जाएगा, हल्का गर्म हो जाएगा, उनको जहां आपका जलन है हाथ पाँव में पैर में लगाइए। इससे आपका जलन मिट जाती है। नहीं तो नागेश्वर का फूल का चूर्ण ले लीजिए और उसमें पुराना यदि 50-100 साल का घी मिले तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो पुराना घी ले लीजिए। यदि पुराना घी नहीं मिलता है, जो भी घी मिलता है उनको ले लीजिए, गाय का घी, और उसमें मिला के जहाँ जलन है हाथ पाँव में शरीर में वहाँ लगाइए। इससे भी जलन दूर हो जाती है। मेथी के पत्तों को पीस कर यदि हम जहाँ जलन है लगाते हैं, इससे भी जलन दूर हो जाती है। लाल चंदन के साथ मुलेठी जस्ट मधु थोड़ा सा पानी का साथ घिस कर और उनको यदि हम लगाते हैं शरीर में जहाँ जलन है, उससे भी ठीक हो जाता है। अथवा सिंघाड़े के पत्तों को पीस कर यदि हम लेप करते हैं, इससे भी जलन दाह का समन होता है। हमें जलन अनुभव करने पर सरसों का तेल पानी में अच्छा से खूब मथें और पैर के तलों में लगाने से पैर की जलन दूर हो जाती है। नहीं तो मेहंदी के पत्ते को यदि हम पानी में अच्छा से गूंथ कर पैर के तलों में लगाते हैं, इससे भी पैर की जलन मिट जाती है। नहीं तो पैर के तलों में चंदन का तेल मालिश करें, इससे भी पाँव की जलन मिट जाती है। किसी एक लेना है, सभी परीक्षित है, प्रामाणिक है, रामबाण है। पैरों में घी या मक्खन लगाकर यदि आंख से तपाएंगे सेकेंगे, इससे भी जलन दूर हो जाती है। तो मसूर को पीस के पैरों के तलुओं पर लगाने से पैरों की जलन मिट जाती है। नहीं तो सेमल छाल व छिलका को यदि पीस कर लेप करते हैं, इससे पादो दाह पैर की तलों में जलन दूर हो जाती है। थोड़ा सा पानी मिलाकर हम पीसेंगे। धन्यवाद। यदि पसंद आया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओम।